धौलपुर के भवनपुरा गांव में दो अलग अलग जगहों पर युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के भाई ने अपनी बहन की हत्या की आशंका जताई है। उदयपुर में खीरवाड़ा के पास जीप और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं तीन गंभीर घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अलवर में स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम बासड़ा में बेलगाम बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने महापौर को ज्ञापन देकर इलाके से कचरा हटाने की मांग की। हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 14 के लोगों ने महापौर के घर जाकर ज्ञापन सौंपा। मसूदा में जननी सुरक्षा योजना का फिर मजाक उड़ता दिखा। यहां एएनएम की लापरवाही के चलते एक महिला टेम्पो में नवजात के साथ पड़ी रही। यहां भेरूखेड़ा की एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर मसूदा अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन महिला ने रास्ते में ही बच्ची को जन्म दे दिया। जन्म के बाद उसे सब सेंटर मोयना लाया गया, लेकिन वहां एएनएम ने महिला को यह कहकर भर्ती नहीं किया कि उसे अस्पताल से रिलीव कर दिया गया है। झुंझुनू में सड़क चौड़ा करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। पुराने बस स्टैंड से लेकर खेमी शक्ति मंदिर तक सड़क को चौड़ा करने के लिए नगर परिषद ने कवायद शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में चल रहे एक स्कूल को रेलवे बोर्ड ने बंद करने का फैसला किया, जिससे अभिभावकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं छात्र स्कूल का वजूद बचाने के लिए आवाज उलंग कर रहे हैं। पोखरण में व्यापारी के साथ फायरिंग कर लूट की कोशिश करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से रोष है। व्यापारियों ने 28 अप्रैल को पोखरण बंद करने की घोषणा की। जयपुर मेट्रो ट्रेन अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। जयपुर मेट्रो के सीएमडी अश्विनी भगत ने बताया कि मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। बीकानेर में इन दिनों मेगा ट्रेड फेयर चल रहा है, जहां एक ही छत के नीचे सभी तरह का सामान लोगों के लिए मुहैया है, जिसको लेकर आम जनता में खासा जोश देखने को मिल रहा है। राजस्थान में लोगों का दुख दर्द समझने के लिए एबीवीपी ने अनूठी पहल की है। प्रतापगढ़ में एबीवीपी ने मुहिम शुरू की है, जिसका नाम है अनुभूति, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के तकरीबन 5000 गांव के 2 लाख घरों में जाकर एबीवीपी के कार्यकर्ता अनुभूति करेंगे। भरतपुर में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन डी कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने फीता काट कर किया। जालौर के घनाड़ी गांव में आज बाबा रामदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर में कार्यक्रम की शुरुआत 25 अप्रैल को जल शोभायात्रा के साथ हुई। जैन समुदाय के आचार्य महाश्रवण महाराज ने जयपुर में यात्रा की। दिल्ली से चली इस यात्रा का मकसद बदलते परिवेश के चलते समाज में हो रहे बदलाव को लेकर। चित्तौड़गढ़ में बैरागी वैष्णव समाज का द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। शहर के गांधीनगर स्थित वैष्णव मंदिर समिति और जिला वैष्णव सेवा संस्थान की संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन हुआ है। बाड़मेर के सीमावर्ती गांव में सूखे से हालात बदतर हो चुके हैं। गांव में भूख और प्यास ने जानवरों की दुर्दशा कर दी है, नतीजा वो दम तोड़ रहे हैं। चारे पाने की जरूरत में कई पशु मर चुके हैं। बीकानेर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। आलम यह है कि पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी का सितम लोगों को इतना सता रहा है कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव दिखा। सुबह सुबह तेज धूप ने लोगों के पसीने छुड़ाए तो दोपहर में बादल छाने लगे। और अब राष्ट्रीय खबरें। यूपीए नहीं, एनडीए सरकार ने अगस्ता और फिन मेकनिका पर बैन लगाया था। पर्रिकर के दावे पर खुद एके एंटनी ने लगाई मुहर। अगस्ता डील में नाम आने पर सोनिया ने साजिश बताया। अहमद पटेल ने मामले में सफाई दी। राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया का नाम लिया था। उत्तराखंड में 29 अप्रैल को नहीं होगा शक्ति परीक्षण। सुप्रीम कोर्ट में 3 मई तक पढ़ाई राष्ट्रपति शासन की मियाद। किन से पूछे 7 सवाल। डीयू की किताब में भगत सिंह को बार बार आतंकी बताने पर उठे सवाल। भगत सिंह का परिवार वीसी के बाद अब स्मृति ईरानी से करेगा शिकायत। एक और चिट फंडिया कंपनी पर लगाम। 1500 करोड़ की उगाही में समृद्ध जीवन कंपनी के एमडी महेश मोतेवार को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। पेंटम के डायरेक्टर कबीर खान से कराची एयरपोर्ट पर जूता दिखाकर बदसलूखी। कबीर खान ने कहा, ना दें ऐसे लोगों को तवज्जो, खुद पाकिस्तानियों को है अफसोस।
ओगस्टा घोषकांड में कांग्रेस का नया दांव, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भूपेश बघेल का आरोप, राज्य में हुआ घोटाला। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने घसीटा मोदी का नाम। हरदा में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत, सीएम शिवराज सिंह ने की शिरकत, बोले गरीबों को मकान बनवाने के लिए दिया जाएगा पैसा। दिल्ली में ऑड इवन पर सांसदों का विरोध जारी, गोयल गाड़ी पर पोस्टर लगाकर पहुंचे संसद, मनोज तिवारी ने चलाई साइकिल। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में 1 मई के बाद नहीं खेले जाएंगे आईपीएल के मैच, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, एमसीए की अर्जी खारिज। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 108 कैरेट का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस पाकिस्तान सरकार नहीं लेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में ट्रंप और हिलेरी का जलवा कायम है, पूर्वी तट में प्राइमरी चुनाव में ट्रंप ने सुपड़ा साफ कर दिया। अमेरिका ने ब्लैक सी में युद्ध अभ्यास के लिए अब तक का सबसे बड़ा F-22 फाइटर्स का बड़ा बेड़ा भेज दिया है। सीरिया के पूर्वी शहर एलेप्पो में सेना और विद्रोहियों के बीच हुई गोलीबारी में 30 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। इराक में मुराद नाम का एक 9 साल का यजीदी लड़का अपनी मां और भाई के साथ आईएसआईएस के चंगुल से बाहर निकल आया है। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने मुराद और उसके परिवार को साल 2014 में अगवा कर लिया था। फ्लोरिडा में एक छोटा प्लेन क्रैश होकर एक घर के यार्ड में जा गिरा, इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। आर्मेनिया की राजधानी एरेवा में एक यात्री बस में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। अमेरिका के फ्लोरिडा में माइंड कंट्रोल ड्रोन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को अपने दिमाग से ड्रोन को कंट्रोल करना था। फेड के फैसले से पहले सोने चांदी में तेजी बढ़ी, एमसीएक्स पर चांदी में 500 रुपए से ज्यादा का उछाल। कमजोर डॉलर और मांग बढ़ाने से क्रूड में खरीदारी बढ़ी, एमसीएक्स पर भाव 3000 के पार पहुंचा। विदेशी बाजार में WTI $44 के ऊपर, ब्रेंट 46 के ऊपर। नेचुरल गैस में शानदार तेजी, निचले भाव पर खरीदारी बढ़ने से भाव करीब 2% तक चढ़ा। चने की कीमत में जोरदार तेजी आई है, एनसी टैक्स पर भाव 2% से ज्यादा बढ़ा है। चौथी तिमाही में एस बैंक का मुनाफा बढ़ गया है, एनआईआई अनुमान से बेहतर, प्रोविजनिंग बढ़ने और खराब एसेट क्वालिटी से शेयर पर दबाव। द जंगल बुक के सीक्वल की तैयारी शुरू हो चुकी है, फिल्म की सफलता के उत्साहित डिज्नी ने घोषणा कर दी। राधिका आप्टे की नई फिल्म फोबिया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म रमन राघव 2.0 का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया है। फिल्म सुल्तान में सलमान खान की बेटी का रोल निभाने वाली बाल कलाकार सूजी खान सलमान के अलावा कैटरीना कैफ को ज्यादा पसंद करती हैं। सुपरस्टार सलमान खान के रियो ओलंपिक्स 2016 के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने के विवाद पर ऐश्वर्या ने सलमान का समर्थन किया है। कंगना और ऋतिक के आपसी झगड़े ने न सिर्फ उनके फैंस को निराश के हैरान किया है जबकि कई लोग इसमें अब रिएक्शन देने लगे हैं, हालांकि मीडिया से दूर रहे ऋतिक रोशन। फिल्म अजहर की हाल ही में रिलीज हुए गाने ओए ओए को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, बताया जा रहा है कि यह गाना साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव का रीमेक सॉन्ग है। राजस्थान सुपरफास्ट का सफर यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।